हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड अगेन मैं चिकू के हेयर कट वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चिकू के लास्ट टाइम मैंने एक और वीडियो शेयर की थी हेयर कट की, एंड उसके बाद फिर से वापस बड़े हो गए थे, तो उसमें मैं अलग प्रोसेस दिखाई थी। इसमें अलग प्रोसेस शेयर कर रही हूँ हेयर कट का, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड ये वीडियो भी देखिए एंड अच्छी तरह से पूरा एंड तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। एंड ये चिकू क्या बोल रहे हैं आप सुनिए पहले। तो देखा आप लोगों ने चीनी एंड चीकू की मस्ती, और ये चीकू के बाल गीले कर दिए थे मैंने, तो उसे बाल गीला करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब मैं शैम्पू करती हूँ उसके बालों में तो भी वो बोलता है बालों को गीला नहीं करो, जैसे कि ड्राई क्लीन हो जाएंगे उसके बाल। तो वही वो बालों को गीला करने से चिढ़ गया था, एंड चीनी छेड़ रही थी उसको, तो इन लोग की मस्ती चल रही है। एंड मैं इन लोग को नहलाने से पहले चीकू के हेयर कट कर रही हूँ, एंड मैं भी नहीं नहाई थी उस दिन। लाइक मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया था एंड सबका हो गया था नाश्ता, उसके बाद मैं लेकर आई थी बच्चों को रेडी करने। तो फिर उसके बाद मैं लाइक इन लोग का हेयर कट करने के बाद इन लोग को नहलाऊंगी एंड मैं नहाऊंगी, ऐसा था। ये चीकू क्या बोल रहा है सुनिए। बोली थी बेटा एक बार गीला करना पड़ता है, कोई बात सुनता नहीं है, रोने लग जाता है। तो आपने सुना चिकू की बातें, वो बोल रहा था कि मम्मा मुझे मिरर दिखाओ, मेरे बाल ठीक से कट रहे हैं कि नहीं, एंड वो हिल रहा था। तो मैंने उसे बोला हिलो मत बेटा, आपको लग जाएगी। तो फिर वो बोलता है मम्मा आप मुझे स्टैच्यू कर दो फिर मैं नहीं हिलूँगा। तो फिर मैंने उसे स्टैच्यू कर दिया, तो वो नहीं हिल रहा था। तो ऐसा आप कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो हेयर कट के लिए जैसे आपने देखा, मैंने चिकू को नॉर्मल टी शर्ट भी पहना सकते हैं, मैंने तो उसे बनियाई नहीं पहना दिया था, नहलाना था मुझे। एंड उसके बाद एक पुराने कपड़े से मेरा दुपट्टा ली हूँ मैं, उससे उसे कवर कर दी अच्छे से, तो वो मुझे गांठ बांधने नहीं दे रहा था, खोल दे रहा था, तो मैंने बस ढक दिया था उसे। एंड उसके बाद उसके बालों को अच्छी तरह से गीला किया, एंड नॉर्मल कॉम्ब पतली वाली जो रहती है आप वो ले सकते हैं। उसके बाद छोटी वाली कैंची ली है मैंने, और उससे छोटे छोटे सेक्शन लेके लाइक कॉम्ब कर रही हूँ पहले मैं, एंड देन उसके बाद उसे एकदम बराबर लाइक छोटे बड़े नहीं होने चाहिए ऐसे इक्वल में रखते हुए बालों को ट्रिम कर रही हूँ हल्का हल्का। एक महीना पहले ही मैंने उसके अच्छे से हेयर कट किए थे, तो साइड साइड से ईयर के पास आप जैसे देख सकते हैं बड़े हो गए हैं बाल उसके, तो अनइवन लग रहा था वो, इसीलिए मैं उसका हेयर कट कर रही हूँ, नहीं तो ऐसे नीड नहीं थी हेयर कट की। आप देख सकते हैं अभी मैं उसका ट्रिमिंग कर रही हूँ, तो कितने अच्छे शेप में आ रहे हैं बाल, तो छोटे बड़े हो गए थे इसीलिए उसकी ट्रिमिंग करनी ज़रूरी थी। तो मैं मिड सेक्शन के जो बाल हैं लाइक क्राउन एरिया के, उसको ज़्यादा नहीं काट रही हूँ, वो मैंने लास्ट टाइम अच्छे से काट दिया था। सिर्फ जो बढ़े हुए हैं एंड के एंड ईयर के पास एंड फोरहेड पे, वो सब मैं ट्रिम कर रही हूँ। तो वही अच्छे से कॉम करते हुए छोटे छोटे सेक्शन लेके उसे करते जाना, एंड केयरफुली करना है, छोटे बच्चों को लग जाती है वो, लाइक मस्ती भी करते रहते हैं। तो चीकू बात भी कर रहा था, हिल भी रहा था, तो मैं भी उससे बातों में उलझा कर लाइक थोड़ी देर, तो मैंने पहले उसे स्टैच्यू कर दिया, फिर जब वो भूल गया स्टैचू का गेम को, तो उसके बाद उससे बातों में लग गई मैं, एंड बातें करते करते उसके बाल काट रही हूँ। आप देखिए एकदम हल्का सा ट्रिम कर रही हूँ मैं, लाइक एक दो पॉइंट ही काट रही हूँ बस बालों को, और बस यही है। मैं कुछ प्रो तो हूँ नहीं, मैं जैसे लास्ट टाइम आपको बताई थी, मैं मेरे बच्चों को जैसे हेयर कट करती हूँ वही शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ,
एंड मैं जब कर लेती हूँ मेरे बच्चों के बाल ऐसे हेयर कट, आप एंड आप लास्ट में देखेंगे कितना अच्छा रिजल्ट आता है, लाइक बहुत अच्छे हेयर कट हो जाते हैं उसके। तो आप भी ये फॉलो कर सकते हैं, बस इसीलिए मैंने शेयर किया कि मैं किस टाइप से हेयर कट करती हूँ बच्चों का। एंड चीनी के भी मैंने शेयर करी थी, तो आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वो लिंक भी मैं डाल दूँगी, या आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हैं उसे। तो बस आप देखिए ये वाला प्रोसेस पूरा देखिएगा एंड तक, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड देखिए फोरहेड में तो इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लाइक लास्ट टाइम तो इसके पूरे आईज़ तक आ गए थी बाल, तो इसलिए मैंने उसे बहुत छोटे कर दिए थे, बट अभी हल्का सा ट्रिम ही कर रही हूँ, बस यही आप देखिए। एंड जैसे कि मैंने दिखाया, तो मैं पहले बच्चों के ईयर सेक्शन से, लाइक ईयर से शुरू करती हूँ काटना, तो वन ईयर से शुरू करके दूसरे ईयर तक मैं पहुँचती हूँ, देन उसके बाद पीछे से काटते हुए अच्छे से उसको शेप में लाती हूँ, तो इक्वल हो जाता है। लाइक आप पीछे से भी, मैं आप देख सकते हैं मैं पीछे से भी कई बार काट लेती हूँ, इसमें भी किया है मैंने, तो बस एक एंड से शुरू करते हुए दूसरे एंड तक पहुँचना है, तो इक्वल हो जाते हैं बाल। एंड ईयर के पास काफ़ी इसके छोटे बड़े हो जाते हैं बाल, बाकी तो ऐसे ठीक रहते हैं, तो बस वही उनको अच्छे से ट्रिम करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके बाल मैंने गीले करे थे पर वो सूख गए थे, तो मैं वापस से थोड़ा सा गीला कर रही हूँ, लाइक सामने के बाल अच्छे से फोरहेड पे आने चाहिए, नहीं तो फिर वो कटते नहीं है बाल अच्छे से, इसलिए मैं स्ट्रेट करके उसे गीले करके अच्छे से ट्रिम करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड हल्का हल्का छोटा छोटा सेक्शन लेना है, एंड लाइक मैं जैसे बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं एकदम केयरफुली करती हूँ, छोटा छोटा टाइम छोटा छोटा सेक्शन लेके एंड अपना टाइम लेके, लाइक हाफ़ एन आवर तो लग ही जाते हैं मुझे। तो मैं जिस दिन बच्चों का हेयर कट करना रहता है, तो उस दिन लाइक बाकी काम मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हूँ, लाइक कुकिंग तो मुझे करनी ही पड़ती है, उसके बाद जैसे डस्टिंग वगैरह है या फिर और कुछ चीज़ें, लाइक आज मुझे अभी मैं नहाऊंगी लेट में चिकू को नहलाने के बाद, हेयर कट करने के बाद, नहलाने के बाद, बट मैं लाइक वॉशरूम क्लीन नहीं करूँगी, ऐसे बाकी चीज़ों में मुझे अपने टाइम की कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि फिर खाना बनाने का, लंच बनाने का टाइम हो जाता है, तो मुझे टाइम पे पहुँचना पड़ता है। तो बस यही ऐसे ही एडजस्ट करती हूँ मैं, एक हाउसवाइफ के लिए तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ता है टाइम को, लाइक कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाता है तो जो नॉर्मल काम है उसमें से कोई चीज़ों की कटौती करनी पड़ती है, तो मैं प्रायोरिटी के हिसाब से काम करती हूँ, लाइक कुकिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो तो मैं बिल्कुल स्किप कर नहीं सकती, उसको तो मुझे करना ही है। तो उसके बाद लाइक मैं एक दिन डस्टिंग नहीं करती, दूसरे दिन अच्छे से कर लेती हूँ, या फिर लाइक बच्चों की एक दिन प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करती, दूसरे दिन अच्छे से कर लेती हूँ, ऐसे किसी भी चीज़ में मैं अपने काम को एडजस्ट कर लेती हूँ, बस यही है। आधी घंटा का हेयर कट का लाइक एक्स्ट्रा टाइम रहता है, तो दूसरी चीज़ों में एडजस्ट करना ही पड़ता है। आई होप सब मॉम्स ऐसे ही करते होंगे, ऐसे ही टाइम एडजस्ट करते होंगे, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। एंड आपने सुना चीनी पढ़ाई कर रही थी, तो उसके लाइक एक नोवेल पढ़ रही है वो, उसको वर्क मिला हुआ था तो वही कर रही है वो। एंड चीकू, मैं जब भी ऐसे हेयर का सेक्शन ले रही थी कॉम से, तो वो बोल रहा था वाओ मम्मा ये तो बहुत अच्छा स्टाइल है हेयर कट करने का, तो वही मैं बोल रही थी कि अगर आप लोग को कंफर्टेबल लगे तो आप ऐसे कॉम्ब से बालों को ऊपर की तरफ उठा के ऐसे भी ट्रिम कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर शेप में दे दें बालों को, हेयर लाइन को, एंड उसके बाद ऐसे जो एक्स्ट्रा बाल हैं उसको ट्रिम कर सकते हैं, बट वो मुझे कंफर्टेबल नहीं होता, मैं आपको बताने के लिए ऐसा कर रही थी। मेरे पास ये मेरे हस्बैंड का ट्रिमर है, तो इससे आप देख सकते हैं मैं कैसे ट्रिम कर रही हूँ, लाइक मिड सेक्शन के जो बाल रहते हैं वो थोड़ा बड़ा रखती हूँ मैं चीकू के, एंड एंड पे जो है लोअर एंड पे उसे थोड़ा सा ट्रिम करते हुए जाती हूँ, लाइक उसको थोड़ा सा थिन करते हुए जाती हूँ, तो वो अच्छा लुक आता है। आप इसको प्रॉपर मशरूम कट नहीं बोल सकते, बट ये वाली हेयर स्टाइल मुझे चीकू पे अच्छी लगती है, तो मैं ऐसा करती हूँ। एंड कई बार प्रॉपर मशरूम कट भी करती हूँ मैं, वो भी शेयर करूँगी आप लोग से, तो आप लास्ट वाली वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं मेरी, जिसमें मैं इवन काटती हूँ उसके बाल, लाइक सब तरफ से इक्वल होते हैं। एंड ये वाला भी प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, जिससे मिड सेक्शन के बाल थोड़े बड़े रहते हैं, एंड एंड पे आते आते जैसे आप देख सकते हैं
बैक साइड पे आते आते वो थोड़े से थिन हो जाते हैं, तो मुझे अच्छे लगते हैं ये वाले हेयरकट। एंड काफ़ी बाल देखिए इसमें ट्रिम होके निकल रहे हैं, एंड मिड सेक्शन के बाल थोड़े बड़े लग रहे हैं आप देख सकते हैं, और प्रॉपर हेयर लाइक पूरे चारों तरफ से हेड के वो तो प्रॉपर ट्रिमिंग हो गई है, लाइक पूरे शेप में आ गए। एक्स्ट्रा बाल मैंने पूरे कट कर लिए, उसके बाद ये नेक पे थोड़ा सा जो छोटे छोटे बाल चिपके हुए रहते हैं ना नेक पे, एकदम छोटे छोटे बाल रहते हैं एक्स्ट्रा, उसे मैंने थोड़ा सा ट्रिम कर दिया ट्रिमर से। एंड उसके बाद लोअर एंड पे उसे थिन करते हुए जा रही हूँ बालों को। इससे अच्छा एक मतलब लाइक बैलेंस्ड लुक आता है, ऐसा नहीं लगता कि एकदम मोटे मोटे बाल हैं इधर तरफ। तो आप देखिए अच्छे लगते हैं मुझे ऐसे ये वाले हेयरकट, तो चीकू पे मैं करती हूँ। आप चाहें तो सिर्फ़ बालों को साइज़ करके जो मैंने पहले दिखाया कैंची से वैसे करके छोड़ सकते हैं, ये तो एक्स्ट्रा है, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। आप चाहें तो ये कर सकते हैं, नहीं तो बस वहाँ तक ही रख सकते हैं। प्रॉपर ईयर टू ईयर शुरू करके नेक एरिया पे प्रॉपर शेप देते हुए जो मैंने पहले दिखाया सीजर से वो आप कर सकते हैं। एंड अब देखिए ये कैसे हो रहा है ट्रिमर से, अगर आप ट्रिमर यूज़ करने में कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी ट्रिमर यूज़ करने में, लाइक सीजर्स से तो हम कर लेते हैं क्योंकि हम लाइक कपड़े या कुछ भी ऐसे थोड़े बहुत काटने में लाइक सिलाई वगैरह करते हैं तो उसमें हम लोग की हैबिट रहती है, बट ट्रिमर यूज़ करने की हैबिट नहीं रहती है। नॉर्मल हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं, तो मुझे भी डिफ़िकल्टी हो रही थी, बट अभी लाइक मैं 1.5 ईयर से चीकू के हेयर कट कर रही हूँ तो मुझे अभी एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं अच्छे से इजीली कर लेती हूँ। बट अभी भी थोड़ा सा नर्वस हो जाती हूँ तो केयरफुली करना पड़ता है मुझे, एंड बट मैं हैंडल कर लेती हूँ वही चीज़ें। एंड अब देखिए नेक को भी थोड़ा सा क्लीन कर दे रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर रही, फिर लाइक हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है नीचे तक करने से, तो मैं हल्का सा कर रही हूँ, लाइक थोड़ा सा क्लीन लुक आए उसमें से इसीलिए। एंड चीनी पढ़ाई कर रही है, वो बैठ के पढ़ते पढ़ते लेट जाती है, आप देख सकते हैं चीनी को। एंड वो अपने टैब पे कर रही है एक्चुअली, पहले वो बुक में कर रही थी एंड उसके बाद उसके टैब में उसको वर्क मिला हुआ था स्कूल का, रीडिंग का कुछ मिला था रीडिंग लॉक, वही कर रही है वो। बहुत ज़्यादा स्क्रीन के सामने नहीं बैठने देती मैं, बट जो चीज़ें लाइक ज़रूरी है इसको रीडिंग करनी थी तो ये मैं उसको करने दे रही हूँ। एंड चीकू के हेयर कट कर रही हूँ, तब तक चीनी को किसी चीज़ में बिजी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आके बीच में डिस्टर्ब करते हैं वो बच्चे, तो बस वही है। इसीलिए मैंने चीनी को बोला आप अपना रीडिंग लॉक कर लो, तो चीनी का भी एक रीडिंग वाला काम हो जाएगा एंड चीकू के भी हेयर कट हो जाएगी। एंड चीनी को तो मैंने नहला दिया था, चीनी रेडी हो गई है, सिर्फ उसका कॉम करना बचा हुआ है, वो करूँगी मैं। रेडी हो जाते हैं पहले हम लोग चीकू का हेयर कट, देन उसके बाद चीकू को नहलाना एंड ऑल, उसके बाद मैं भी रेडी हो जाऊंगी, उसके बाद कॉम करूंगी प्रॉपर ऑयलिंग करके इन लोगों की। तब तक अपना काम कर रही है चीनी, बस ऐसे ही मैनेज करती हूँ मैं। एंड अब देखिए चीकू के लाइक क्राउन सेक्शन के बाल थोड़े से बड़े बड़े रख के मैं देखिए आप नीचे नीचे के थोड़े से ट्रिम कर रही हूँ, तो उससे क्लीन लुक आता है। एंड कितने बाल निकल रहे हैं। एंड उसके बाद ये कवर कर लिया था मैंने दुपट्टा को, बट वो खिसके जा रहा था, चीकू हिल रहा था, तो आप उसको पिनअप भी कर सकते हैं या गांठ भी लगा सकते हैं, बट उसको नहलाना ही था अच्छे से शैम्पू करके, तो फिर मैंने भी इतना लाइक छोड़ ही दिया कि रहने दो कोई बात नहीं, दुपट्टा खिसक रहा है तो अच्छे से पहले डस्ट ऑफ कर दूँगी मैं पूरे बालों को, एंड उसके बाद फिर मैं उसे नहलाने के लिए जाऊँगी। शैम्पू करके नहला देने से सब एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एंड देखिए आप ये हो गया है, एंड ईयर के पास भी बाल थोड़े हैवी लग रहे हैं देखिए आप, तो उसे भी मैं हल्का हल्का ट्रिम कर लूँगी तो एकदम बैलेंस्ड लुक आ जाएगा। और सामने के बाल थोड़े से पतले हैं चीकू के, पीछे के बाल थोड़े हैवी हैं, तो इससे बैलेंस्ड लुक आ जाता है, ऐसे नहीं लगता कि सामने कम लग रहे हैं बाल एंड पीछे ज़्यादा लग रहे हैं, ऐसा नहीं लगता। एंड आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं लाइक जैसा आपको प्रेफर लगे। एंड बस आप देखिए इसको, मैंने जो प्रोसेस शेयर करी है लाइक मैं जैसे फॉलो करती हूँ वही शेयर किया हूँ, आप चाहे तो इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड
बस ऑलमोस्ट डन है, इसका हेयर कट होने में आ गया है, फिनिशिंग कर रही हूँ बस। एंड आप देख सकते हैं ईयर के पास इसके वापस थोड़े से हैवी लग रहे थे बाल, तो मैंने उसको भी हल्का हल्का ट्रिम कर लिया। एंड बस उसके बाद ये ऑलमोस्ट हो गया है पूरा, एक बार अच्छी तरह से चेक कर लें कहीं पे बाल छोटे बड़े हैं नहीं ऐसा कुछ, एंड प्रॉपर डस्ट ऑफ कर दें जितने भी बाल गिरे हुए हैं, नहीं तो बच्चों को चुभते हैं। एंड उसके बाद फिर अच्छे से नहलाएंगे तो वो पूरा क्लीन हो जाएगा। शैम्पू करके नहलाती हूँ मैं, इसके बाल शैम्पू ही है वॉश है, बट उसके बाद अगेन शैम्पू कर देती हूँ मैं जिससे सब एक्स्ट्रा बाल निकल जाते हैं, नहीं तो चुभते हैं छोटे बच्चों को। एंड इधर भी ईयर के पास मुझे थोड़े बड़े लग रहे थे बाल, तो मैं इन्हें भी ट्रिम कर ले रही हूँ। एंड बस यही है चिकू के हो गए हैं हेयर कट, आप इसे फॉलो करिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए। एंड अभी बच्चों को घर पर ही रहना है तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की भी ज़रूरत नहीं है हेयर कट को लेके, लाइक बस उन लोग को गर्मी नहीं लगे एंड अच्छा से एक प्रॉपर शेप में हेयर कट हो जाए, यही मोटो रहता है मेरा। तो अगर आपको ये हेयर कट का वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड ये है चिकू का फाइनल लुक, आप देखिए मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ओके बाय। यस चिकू का हेयर कट हो गया। ओके आपको अच्छा लगा? नहीं पानी डालना अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा? ओके पानी डालना अच्छा नहीं मुझे लगा, पानी से एलर्जी है। अच्छा बट हेयर कट तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ। यस ये चिकू के इतने बाल निकले हैं, इतने सारे। मम्मा बहुत काटा लग रहा है। हाँ मम्मा अभी हैंड वॉश सॉरी शैम्पू करके नहला देगी चिकू के इतने हैंड वॉश। यस चिकू के इतने बाल निकले हैं, सिर्फ मैंने ट्रिमिंग किया उसके बाद भी उसके इतने बाल निकले हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। बाय बाय।